हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड, इस समय बज रहे हैं 3:00 और शुरुआत करते हैं अपने आज के व्लॉग की। तो फ्रेंड्स, कल मैंने ये सूट सील करके कंप्लीट कर रखा था और आज मम्मी इसे फिर से सीलने लग गए। बिकॉज फ्रेंड्स, जो नेक डिज़ाइन था वो उसे हाथ से सीलना पड़ता है, तो मेरे हाथ में इतनी सफाई नहीं आती है, इसीलिए मम्मी खुद सीलते हैं नेक डिज़ाइन को। तो अभी मम्मी नेक डिज़ाइन कम्प्लीट कर रहे हैं। मशीन का जितना भी काम होता है मैंने टोटल करके दे दिया था, बस अब मम्मी के हाथ का काम है। तो फ्रेंड्स, वैसे सूट में तुर्बन करते हैं चाक में, बट इस बार मैंने मम्मी को वो मशीन से ही सिल करके दे दिया था, तो अब सिर्फ मम्मी को नेक डिज़ाइन पर ही सिलाई करनी है, तो वो मम्मी अभी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने सील दिया है गले का डिज़ाइन और अब मम्मी पहन कर चेक कर रहे हैं कि फिटिंग ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, फिटिंग वगैरह तो सब ठीक है, बस जो मम्मी को सही नहीं लग रहा है वो हाथ के बाजू। मम्मी कह रहे हैं थोड़े से हाथ के बाजू लंबे हो गए हैं, तो यानी कि मुझे फिर से इस पर काम करना पड़ेगा, बट सिर्फ हाथ के बाजू छोटे करने हैं, वो तो इजीली हो जाएंगे, बाकी सब ठीक हो चुका है, परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मम्मी को हो चुके थे हाथ के बाजू लंबे, तो कटिंग तो करना ही था उसका, इसीलिए मैंने अभी इसकी कटिंग वगैरह कर दी है, बट अभी सीलूंगी नहीं क्योंकि मेरा ट्यूशन का टाइम हो चुका है। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद इसके हाथ के बाजू सीलूंगी। इस सूट का काम आज ही कंप्लीट करना है, बिकॉज कोई भी काम अब पेंडिंग नहीं रखना है। बड़े मुश्किल से तो पेंडिंग काम कम्प्लीट किया था, तो दोबारा से ये करने के लिए आ गया सूट। बस एक हाथ के बाजू के वजह से दोबारा से सीलना पड़ रहा है। पहली बार ऐसा होने लग गया जब मम्मी की सूट की फिटिंग नहीं आ रही है, वरना दोबारा बनाने की कभी भी नौबत नहीं आती थी, एक ही बार में बंद करके हो जाता था। ये पहला सूट है ऐसा जिसे दोबारा से बनाना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ हाथ के बाजू। तो कोई बात नहीं, ट्यूशन पढ़ाने के बाद इसको कम्प्लीट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं 6:00 और हम लोग भी आ चुके हैं घर के बाहर, बिकॉज आज मम्मी ने सारे बिस्तर वगैरह बाहर धूप में रखे थे ताकि थोड़ी हवा वगैरह लग जाए और जो इतने दिनों से बारिश की वजह से सीलन की स्मेल सी आ रही थी वो हट जाए। तो अभी मम्मी सब संभाल रहे हैं। आज मम्मी ने कंबल, पिल्लो, चद्दर सब बाहर धूप में रख दिए थे ताकि इनमें से जितनी भी स्मेल आ रही है वो सब दूर हो जाए, क्योंकि आज अच्छी खासी धूप थी सुबह से ही, वरना यहाँ एक टाइम रोज बारिश हो रही है। आज अच्छी खासी धूप लग गई है कपड़ों में। कंबल वगैरह मम्मी ने अंदर रख दिए, अब मम्मी सारे तकिए लेकर के जा रहे हैं अंदर और इनको पहले झाड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चींटियाँ रहती है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेश वाटर आने का भी टाइम हो चुका है, तो फिर पानी भर देते हैं टब में फ्रेश वाटर। और मम्मी ने तो अच्छा खासा पिल्लो सुखा रखा था सुबह से और अभी मम्मी ने उसको पानी में गिरा दिया। सुखाए का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको सीलन के वजह से स्मेल चले जाए करके इसीलिए धूप में रखा था, तो अभी पानी में ही गिरा दिया उसे। अब उसको थोड़ा देर और रखना पड़ेगा बाहर क्योंकि अभी भी धूप है ही बाहर। सो फ्रेंड्स, फ्रेश वाटर भर लिया है हम लोगों ने बाहर से और अब अंदर आ गए। सब बाहर का सारा काम निपटा करके अब अंदर का काम करने लग गए। मम्मी तो रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, और क्योंकि मैंने हाथ का बाजू थोड़ा सा छोटा करना था तो उसी समय मैंने काट दिया था इसको, तो अब थोड़ा सा खोल लेते हैं इसे, उसके बाद इसको बना देंगे। जब तक बनाएंगे रोटी तब तक मैं कर दूंगी इसका काम कंप्लीट बना करके। उस समय केवल काटा था, खोल देते हैं क्योंकि उस समय तो ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया था। आज हमारा बिजलू भी पता नहीं कहाँ है, कल चला गया था वो जल्दी, 6 बजे से पहले चला गया था कल शाम को और अब तक नहीं आ रखा है, वो एक दो दिन में ही आएगा या कल ही आएगा। सो फ्रेंड्स, रेडी है हम लोगों का डिनर बनकर और अब हम लोग करेंगे अपना डिनर। तो फ्रेंड्स, मैं करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं पर क्लोज। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।